नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RPSC के द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट ग्रुप इंस्ट्रक्टर और सुपर सर्वेयर के पदों से संबंधित जानकारी। इसके लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024 के लिए। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं RPSC की वेबसाइट पर। यहाँ आपको दिखाई देगा ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप AD 2024 एडवर्टाइजमेंट का लिंक। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को, जिसे यहाँ हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 12 एग्ज़ाम / GI DTE EP 1 2024-25। ये 2 सितंबर को जारी किया गया है। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पर समूह अनुदेशक सर्वेयर सहायक शिक्षुता सलाहकार Grade 2 यानी ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर Grade 2 के कुल 68 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये पद अभी स्थायी हैं, जो जिनकी संख्या घट या बढ़ सकती है, और ये पद आने वाले समय में स्थायी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 68 टोटल पद हैं। नॉन शेड्यूल एरिया में 63 हैं, जिनमें से जनरल कैटेगरी में पुरुषों के 15, जनरल महिलाओं के हैं 5 और विडोज के 2 हैं। SC कैटेगरी में 7 जनरल के, जनरल WE के 2 हैं और WD के हैं 1 पद। ST कैटेगरी में जनरल के हैं 6, जनरल WE के हैं 1 और विडोज का 1 है। OBC में पुरुषों के 9, महिलाओं के हैं 3 और विडोज का है 1। MBC में पुरुषों के 2, महिलाओं का 1 है। EWS कैटेगरी में पुरुषों के 4 और महिलाओं का 1 और विडोज कैटेगरी में है यहाँ पर 1। और यहाँ आप देखेंगे शेड्यूल एरिया में कुल 5 पद हैं, जिनमें से जनरल में 1-1 पद है महिला और पुरुषों का। ST कैटेगरी में यहाँ पर कोई पद नहीं है। ST कैटेगरी में 2 पुरुषों के 1 महिलाओं का है। OBC कैटेगरी में कोई पद नहीं है। MBC और EWS में भी कोई पद नहीं है। तो यहाँ बात कर लेते हैं पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता की। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, सेकेंडरी विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में आवेदक ने कंप्लीट किया हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर 10+2 स्कीम के अंतर्गत सेकेंडरी एग्ज़ाम आवेदक ने पास किया हो, यानी 10वीं क्लास आवेदक पास होना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पर BVOC या डिग्री इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन AICTE या UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदक ने हासिल की हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अवार्ड किया गया हो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या फिर रिलीवेंट एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल एरिया में होना चाहिए DGT से, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ट्रेड कंसर्न टू इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ब्रांच में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है एक्सपीरियंस की, सैलरीड एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन द ट्रेड कंसर्न ईदर इन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन अ टेक्निकल पोस्ट इन रिकॉग्नाइज टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर एक्वायरिंग जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके बाद ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। BVOC डिग्री इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 3 साल, डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग या एडवांस डिप्लोमा में 5 साल का, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लेवल पर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो एक कंडीशन है, हिंदी में लिखने और समझने का देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए आवेदक को, राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
शैक्षिक अर्हता से संबंधित जो अन्य प्रावधान हैं, अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में शामिल हो रहे कैंडिडेट भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको रिटन एग्जामिनेशन से पहले पहले अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रूफ सबमिट कराना होगा आयोग के समक्ष। वेतनमान जो होगा यहाँ सातवें वेतन आयोग के लेवल 12 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी जा रही है राजस्थान के SC ST BC MBC EWS और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि राजस्थान राज्य की SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट होगी। विडोज डाइवोर्सी महिलाओं को अपर एज में कोई लिमिट नहीं है और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की यहाँ छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को भी यहाँ पर आयोग के नियमानुसार 10 साल तक की छूट दी जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं राजस्थान राज्य के दिव्यांगजनों को 5 साल में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाने का यहाँ प्रावधान किया गया है। इन सभी पदों पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से इन पदों पर सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराई जा सकती है RPSC के द्वारा। आवेदन इन पदों के लिए 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड में rpsc.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov पर जाकर अपने आप का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं ₹500 का शुल्क पेमेंट करके। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको शुल्क पेमेंट करनी होगी वन टाइम यानी सामान्य पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर कैंडिडेट और अन्य राज्यों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को ₹600, राजस्थान राज्य के SC ST पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर शहरीय क्षेत्र के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को ₹400 फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। एग्जामिनेशन स्कीम जो होगी यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस पर आधारित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 अंकों के 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। हर गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो अप्लाई होगी 1/3 मार्क्स यानी 1/3 मार्क्स हर गलत उत्तर देने पर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों इन पदों से संबंधित अन्य सभी अति महत्वपूर्ण बिंदु या नोट्स या जानकारी के लिए डिटेल में आप दिए गए विज्ञापन को जरूर पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने में काफ़ी समय है इसलिए विज्ञापन को आप अच्छे से पढ़ लें, उनसे दी गई जानकारी जो है उससे संतुष्ट हो लें, उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है 17 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि जो होगी 16 अक्टूबर 2024 होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी। 17 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 16 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी यहाँ उपलब्ध कराने की हमने कोशिश की है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लेना है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया है उससे आपको अच्छे से वाकिफ हो जाना है। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।